समथिंग एल्स लड्डू गुलाब जामुन काला जामुन कुछ और ये है ये आपने खाया होगा टाइम देखिए रोड पे ऐसे हमारी छिल रही होगी बट रोड अच्छी है यूपी का जो हमको बताया गया था वैसे नहीं यूपी के रोड अच्छी है अच्छा वो शूट तो हो जाएगा शूट का क्या तो रोज होता है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है सुबह सुबह में हमको इधर हवा मस्त एकदम ठंडी ठंडी अब सनसेट पकड़ने का है जो कि ऑलमोस्ट सॉरी सनराइज पकड़ने का है जो कि ऑलमोस्ट शुरू हो गया अनुज नाम कभी तो चाय नहीं पिलाया लेकिन रुको जरा सबर करो वो जो कुल्हड़ वाली जो उसने प्रॉमिस किया है आज उम्मीद है कि अनुज अपने वादे पे खड़े उतरेंगे गाइज वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग आज ए डे सेकेंड और सुबह सुबह निकल गए शूट के लिए सो जो हमारा होटल था गोंडा में वहाँ से दूसरा लोकेशन जो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है सो हम लोग ने 15-20 किलोमीटर कवर कर लिया 10 किलोमीटर और जाना है जो सुबह की वाइब है बहुत ही अच्छी एकदम फ्रेश एयर बहुत ही ब्यूटीफुल मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं रिकॉर्ड ज़ूम ज़ूम तो अभी ड्रोन शॉट स्टिल बाकी है हाँ अभी और करेंगे थोड़ा सा और बाकी है क्योंकि बैटरी खत्म हो गई ना सो अभी वापस से जा रहे हैं बैटरी चेंज करके इनका वापस बाइक को फॉलो करना शादीशुदा लोग ड्रोन शॉट हो गया MTB रोल्स जो भी थे सब हो गए अभी वापस से करेंगे बैटरी हो गई थी ख़त्म फिर से बैटरी न्यू बैटरी डाल दिया है एंड लक बोलते ना टाइम ख़राब था एक बैटरी मैं मुंबई में घर पे भूल गया जो कि मैंने तीनों चार्ज किए सिर्फ मैं दो ही बैटरी कैरी किया एक भूल गया सो एक बैटरी इजीली 40 से 45 मिनट तक मिल जाता है एंड अभी सेकेंड बैटरी डाले है वापस एक वी रोल्स करेंगे और लोकेशन बहुत सही है कमांडो कम 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 शॉट चल रहा है कम कर कम कर अरे 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 लोकेशन बहुत ही अच्छी है एंड ग्रीनरी है शॉट अच्छे मिल रहे हैं मेरे को जहाँ तक लग रहा था कि बहुत ही हिसाब से बहुत ही अच्छा वेदर है और स्पेशली द एनवायरनमेंट फुल्ली ग्रीन एंड यूपी में यहाँ से कितना 300 किलोमीटर दूर है उनका मेरे मामा का घर सो आई होप ये लोग के लिए तो अच्छा है ये लोग के लिए काफ़ी पसंद आया इनको बाकी क्रू मेम्बर को सबको बट अच्छा जा रहा है शॉट काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं शूट अच्छा हो रहा है आई होप सब टाइम पे ख़त्म हो जाए अरे यू वांट टू से समथिंग या नाउ गेटिंग साउंड्स एम्बिएंस बर्ड्स ट्रेन्स ट्रक्स एंड चिल्ड्रन
I like it. It's really, it's calm, it's peaceful. Okay. And you hear more birds than you'll ever hear anywhere else. Really nice. Only now we have to see how many shots we have remaining, then we'll feel tired. So. But we'll have to give him cash first. Why? Just like, he can just pick up some breakfast, no? But I can see. Wait for the connecting. Please check it on the map. Yes, sir. Wait. Yeah. We're just taking the drone up. Okay. Yeah. Something here. Ekdam top down, no? Yeah, top down. Beautiful. Arya, just stand here. Block the sun on his face. Oh, sorry. So, yeah, perfect. Just hold like that. Take a minute. तीन से साढ़े तीन घंटे का रास्ता है एंड शूट काफ़ी अच्छा हो गया, मज़ा आया। बट लास्ट में थोड़ा बारिश आ गई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट ज़्यादा टाइम की बारिश नहीं थी, वो भी हो गया। दिन फटाफट पैकअप किए और निकले। पहले क्लाइमेट तो बहुत अच्छा था, सुबह से लेके और दो बजे तक बहुत ही अच्छा क्लाइमेट था, बट फिर वही धूप सब आ गई तो निकले हैं। अभी रास्ते में कहीं रुकेंगे, खाना खाएंगे, देन उसका नॉन स्टॉप सीधा गोरखपुर। तो बाकी हमारे दो जवान थक हार के सो गए, जो कि बहुत मेहनत की है भाई आज, बहुत। सो दोनों जवान पूरी तरह से एकदम थके हुए अब सो रहे हैं, नींद लेते हैं, देखते कहीं अच्छा ढाबा मिला तो खाएंगे। ये देखना, अरे गोरखपुर बस गोड्डा से निकले थे हम लोग, बस्ती होके जा रहे हैं। एक्चुअली मैं सोच रहा था, मे भी मेरे को लगा था कि हम लोग अयोध्या होके जाएंगे, बट उधर से नहीं जा रहे। सो बस्ती से गोड्डा से बस्ती होके जाने के लिए पूरा स्टेट है, तो हम लोग सीधा जा रहे हैं। सो अयोध्या रिटर्न आने का, तो
गोरखपुर से जब भी हम लोग रिटर्न जाने वाले हैं लखनऊ, तो अयोध्या होके जाएंगे। वहाँ पे मेरे मामा हैं जो वहाँ पे यूपी पुलिस में, सो आए वो अगर टाइम मिलेगा तो उनसे भी मिलेंगे। अभी हम लोग अयोध्या में है ना, सो अभी जिस जहाँ से जा रहे हैं, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट लग रहा है बट ये प्रॉपर सिटी नहीं है, साइड साइड का उसका थोड़ा सा एरिया लगता है, उसका फिर बस्ती डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग रुके गोरखपुर और लखनऊ हाईवे पे अवधेश ढाबा पे, अब खाएंगे खाना। चल ए, ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? ये गुजिया, ये चंद्रकला, ये इमरती, और इसको क्या बोलते, पेड़ा, और ये छेना, छेना वो छेना है नीचे राजभोग है। Guess क्या है? Something else. लड्डू, गुलाब जामुन, काला जामुन, कुछ और ये है, ये आपने खाया होगा टाइम पर, दिखा तो सही, भुजिया ठीक है। अपना भाई लंच ख़त्म और शाम को बज रहे पीछे, सनसेट भी हो रहा है पीछे, और अभी हम लोग रुके थे अवधेश सिंह ढाबा। सो ये पड़ता है लखनऊ और गोरखपुर हाईवे पे। खाना अच्छा था, अच्छा था काफ़ी, फूड वॉज गुड, थोड़ा सा आज स्वीट भी खाया। सो खाया मैंने भुजिया, भुजिया खाया, बहुत टाइम हो गया था। सो अभी गोरखपुर और फिर लखनऊ जा रहा है, तो हम लोग निकलेंगे गोरखपुर के लिए और जाएगा हमारा 2 से 2.5 घंटे। तो कर रहे हैं कि अराउंड लाइक 8:30 तक या 9 o'clock तक पहुँचने का, बिकॉज कल वापस से शूट है, दूसरी लोकेशन है, लक्ष सिटी से काफ़ी बाहर है। तो कल शूट ख़त्म करके फिर सीधा निकलेंगे लखनऊ के लिए। बस काफ़ी लोग अंदर हैं, मैं थोड़ा बाहर आ गया, मतलब थोड़ा सनसेट इन्जॉय करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो ये है ढाबा जहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे पीछे, अवधेश सिंह, और सनसेट बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है इस टाइम। ये सनसेट के लिए यार ऐसा लग रहा है ना, अभी तो ड्रोन ट्रैवल करना नहीं तो फिर मस्त यहाँ से ड्रोन फ्लाई करने का, सामने का क्या परफेक्ट व्यू मिलेगा, बस मज़ा आ रहा है। डॉक्यूमेंट्री शूट है तो फिर ट्रैवल भी कंटिन्यू हो रहा है, तो बैक टू बैक एक शूट ख़त्म कर रहे, फिर दूसरे लोकेशन, फिर वो ख़त्म, फिर तीसरे, मज़ा आ रहा है। बट रोड बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, काफ़ी लाइक अच्छे बनाए हैं, रोड मेंटेन है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। ट्रैफिक तो भाई, ट्रैफिक अभी तक मिली नहीं, बहुत हम लोग लकी रहे कि अभी तक ट्रैफिक मिली नहीं। 1 घंटे 1 घंटे में तो आराम से 70-80 किलोमीटर आराम से कवर कर लो, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं, सब मस्त। फाइनली तप के तपस्या करके, गर्मी में लड़ झगड़ के पहुंच गए गोरखपुर। ये है हमारे होटल का हाल, ये है कुछ खाने पीने की चीज़ें, जूस, गुड्डे, कुकीज़, पानी, जूस, और हाँ अभी हम लोग ये लेके आए गुलाब जामुन, ड्रोन बैग, फिर पर्सनल बैग, फिर कैमरा बैग शहजाद का, फिर कैमरा। सो हम लोग यूज़ कर रहे हैं FX3, जो कि फुल सेंसर कैमरा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉडी है, एंड फुटेज बहुत सही आती, बस आपको सेटिंग अच्छा पता हो, कोडेक अच्छा पता होना चाहिए, जो कि मैंने मेरे भाई शहजाद ने मेरे को बहुत अच्छा ट्रेन कर दिया कोडेक्स और सेटिंग में। ये है FX3 का हैंडल जो हम ऊपर लगाते हैं, यहाँ से आप साउंड भी कैप्चर कर सकते हो, यहाँ पे एक आप बूम बोलते ना रोड माइक लगा सकते हो, ND फिल्टर्स। सो ये है 1635 लेंस वाइड शॉट के लिए, जी मास्टर
7200 फॉर द क्लोजअप। ये हमारा कैमरा बैग, इसमें है लाइट्स DJI 3 प्रो, चार्जिंग से। सो बहुत ही हाईटेक मशीन, बहुत ही हाईटेक गिम्बल है। RS2 तो अच्छा था नहीं, जो कि चलते चलते सो जाता था। कुछ लोग थे जो मुझे बदनाम कर दिए, जो कि मेरा अच्छा गिम्बल है ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, साउंड माइक, और अब दिखाते बैटरी चार्जिंग। FX3 की बैटरी 6, एंड ड्रोन का कंट्रोलर, एंड ड्रोन की बैटरी, कुछ GoPro चार्जिंग, ये सब सारा सेटअप, और मेरा ये जूस। आज के गोंडा से गोरखपुर आने के लिए कट चुकी है। खाना कैसा था? चाइनीज वेज सब में टेस्टी, वेज फूड रॉक्स। खा रहे इतना अच्छा। एक अय्याश आदमी, अय्याश नहीं है। सो अभी करते वीडियो को यहीं पे एंड, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।